राजस्थान की मंडियों में इन दिनों सरसों सीड की दैनिक आवक बढ़कर लगभग दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। इस समय प्रदेश की मंडियों में करीब 85,000 बोरी की आवक हो रही है। उधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की मंडियों में 30-30 हजार बोरी की आवक दर्ज की गई है, जबकि गुजरात में 10,000 और देश के अन्य राज्यों में करीब 65,000 बोरी की आवक हो रही है। वर्तमान में देश भर में कुल 2.5 लाख बोरी की आवक दर्ज की गई है। प्रदेश की स्थानीय मंडी भरतपुर में प्रतिदिन 5,000 बोरी सरसों उतर रही थी, जो कि अचानक बढ़कर 7,000 पहुंच गई। वहीं खेरली मंडी में 3,500 बोरी से बढ़कर आवक 5,000 बोरी पर जा पहुंची और खैरतल मंडी में भी 3,000 से बढ़कर आवक 5,000 बोरी पर रोजाना पहुँच गई है। जानकारों के मुताबिक बारिश अच्छी होने से आगे बिजाई के आसार भी बेहतर रहेंगे। इस कारण से किसान अपना माल अब मंडियों में लेकर आ रहे हैं। हालांकि सरसों मिल डिलीवरी 42% तेल कंडीशन के भाव 6,700 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास कारोबार करते दिखाई दिए हैं। वहीं बाजार जानकारों का कहना है कि पहले देश में सरसों का उत्पादन का अनुमान 87,50,000 टन आंका गया था, जो अब रिवाइज करके 81 लाख टन रह गया है। ऐसी स्थिति में सरसों की कीमतों में मंदी नहीं आएगी। गौरतलब है कि दिवाली के आसपास सरसों की बिजाई शुरू होगी और नई सरसों फरवरी मार्च से पहले नहीं आएगी। परिणाम स्वरूप सरसों और सरसों तेल में मंदी के आसार फिलहाल समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।